चलिए टॉप 10 खबरों का रुख करते हैं। बीते साल कोरोना की रोकथाम के लिए लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन की आलोचना करने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अब कहा है कि कोरोना के प्रसार से बचने के लिए अब फुल लॉकडाउन की एकमात्र रास्ता बचा है। राहुल गांधी ने कहा है कि भारत सरकार की निष्क्रियता की वजह से मासूम लोगों की जान जा रही है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 30 अप्रैल को पीएम मोदी को भेजा था कोरोना को लेकर संवेदना संदेश। संदेश के जरिए कहा कि भारत की हालिया स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हूं। मुझे भरोसा है कि भारत सरकार के नेतृत्व में जनता निश्चित ही महामारी पर जीत पाएगी। आज पीएम मोदी और यूके के पीएम बोरिस जॉनसन की वर्चुअल मीटिंग से पहले ब्रिटेन के पीएम ने सोमवार को कहा था कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ब्रिटेन में जल्द ही करीब 2500 करोड़ रुपए के निवेश कर सकती है। भविष्य में सीरम इंस्टीट्यूट यूके में वैक्सीन भी बना सकता है। 53 साल में पहली बार अंतरिक्ष यान के अंधेरे में लैंडिंग हुई है। 167 दिन का सबसे लंबा मिशन पूरा कर 4 एस्ट्रोनॉट वापस लौट आए हैं। नवंबर 2020 में रेजिलियंस यान के जरिए अमेरिका के 3 और जापान के 1 एस्ट्रोनॉट को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजा गया था। तो फाइजर बायोटेक वैक्सीन को भारत में जल्द उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार के साथ बातचीत कर रही है। तो फाइजर ने इससे पहले अप्रैल में कहा था कि उसने भारत में सरकारी टीकाकरण कार्यक्रम के लिए अपनी वैक्सीन को लाभ रहित मूल्य पर उपलब्ध कराने की पेशकश की है। साल 2020 में भले ही ये सिलसिला टूट गया हो मगर साल 2021 में सलमान खान ईद के मौके पर अपनी फिल्म राधे के साथ दस्तक देने जा रहे हैं। इसकी रिलीज को लेकर सलमान खान ने एक बड़ी घोषणा भी कर दी है। सलमान खान अपनी फिल्म राधे को भारत में नहीं दुबई में रिलीज करेंगे। कोरोना काल में कन्नड़ एक्टर अर्जुन गौड़ा लोगों की मदद के लिए एम्बुलेंस ड्राइवर बन गए। अर्जुन ने बताया है कि वो लोगों को अस्पताल ले जाने और कोरोना से मौत होने पर लाशों को शमशान घाट से लेकर उसके अंतिम संस्कार तक में मदद कर रहे हैं। साउथ की कई सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुके हैं अर्जुन गौड़ा। मशहूर क्रिकेटर पैट कमिंस ने सोमवार को कहा है कि उन्होंने $50,000 का दान यूनिसेफ ऑस्ट्रेलिया की भारत कोविड-19 संकट अपील को डोनेट किया है। कमिंस ने एक हफ्ते पहले एक राशि पीएम केयर्स कोच में देने का वादा किया था। कोविड के बढ़ते मामलों से जूझ रहे अस्पतालों में वैक्सीन आपूर्ति के लिए दान देने की घोषणा की थी। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बीच आईपीएल को सस्पेंड करने का फैसला लिया गया है। पिछले कुछ दिनों से आईपीएल के कई टीमों में कोरोना के केस सामने आए थे जिसके बाद बीसीसीआई ने यह फैसला लिया है। टीम के खिलाड़ियों और सदस्यों के लगातार कोरोना पॉजिटिव होने के बाद ये फैसला लिया गया। वाणिज्य मंत्रालय जारी प्रारंभिक आंकड़ों से जानकारी सामने आई। कोरोना संकट के बावजूद अप्रैल महीने में भारत का निर्यात करीब 3 गुना बढ़कर $30.21 तक पहुंचा। पिछले साल अप्रैल में निर्मित $10.17 का हुआ था। इस दौरान देश का आयात भी करीब 165% बढ़कर $45.45 अरब तक पहुंच गया। अप्रैल 2020 में देश का आयात $17.09 अरब था। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा रविवार को जारी प्रारंभिक आंकड़ों में ये जानकारी सामने आई।